बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड आवर सेकंड चैप्टर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड इट्स सेकंड हेडिंग लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पेज नंबर 27। अच्छा, तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था, कि इसमें गैलीलियो नाम के एक फिज़िकिस्ट ने, एक एस्ट्रोनॉमर ने, इटालियन एस्ट्रोनॉमर फिज़िकिस्ट जो था, उसने जो है माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप की थी। माइक्रोस्कोप जो है उसकी डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुई थी? लेंसेज, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं उनकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, और उनसे जो है, यानी वो एक बेसिक थे, और जब हमारा माइक्रोस्कोप बनी तो उसके बाद हमें पता चला कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। और फिर जब इस माइक्रोस्कोप में मज़ीद जो है वो एडवांस जब वो हो गई, तो एक मज़ीद जो एडवांस माइक्रोस्कोप बनाई गई, उससे हमें पता चला कि उसके अंदर भी ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, लाइक न्यूक्लियाई का सिर्फ पता चला था और सेल वॉल का पता चला था। तो बेटा, जब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटल इन्वेंशंस होती रहती हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इन्वेंट किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से जो है साइंस की कोई सी भी फील्ड हो, बायो हो या कोई सी भी फील्ड हो, उसमें मज़ीद एडवांसमेंट आती रहती है। हमारे लिए स्टडी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती, स्टडी जो है वो हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाती है, और हमारे लिए एक न्यू समझे कि हर नए इन्वेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ न्यू हॉरिजन्स खुल जाते हैं, जहाँ हमें मज़ीद बहुत सी नई चीज़ों का पता चलता है। तो अब जब माइक्रोस्कोप बनाई गई तो हमें एक नई चीज़ का पता चला कि जनाब एक सेल नाम की चीज़ होती है, और नाम तो ज़रा बाद में रखा गया, लेकिन बहरहाल वो जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होता है, कैसा होता है, ये सब चीज़ें हमें पता चली। अब आ जाते हैं हम इस पर। द एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज साइंस ऑफन पैरेलल्स द इन्वेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट एक्सटेंड ह्यूमन सेंसेस टू न्यू लिमिट्स। The discovery and early study of cells progressed with the invention and improvement of visual instruments like microscope. Microscope of various types are still important tools for the study of cells. अच्छा जनाब, तो सेल बायो में, यानी ख़ास तौर पे बायो से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई सी भी फील्ड हो बायोलॉजी की, उसमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है माइक्रोस्कोप्स की। तो जैसे जैसे हमारी माइक्रोस्कोप जो है वो इम्प्रूव होती रहीं, वैसे वैसे जो है हमारी स्टडी जो है, हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती रही। तो पहले हम दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन, जो कि एक माइक्रोस्कोप में ये टर्म्स आपको मिलेंगी। रेजोल्यूशन इज़ द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट जो जो दो ऑर्गेनल्स हैं, यानी सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, या किसी भी चीज़ के, किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनको सेपरेट करके जो रेजोल्यूशन है वो आपको दिखा रहा होता है, यानी क्वालिटी को जो है वो, उसकी क्वालिटी को आप रेजोल्यूशन कह सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज़ अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या है? साइज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, उसके साइज़ को बड़ा करके शो करना। रेजोल्यूशन इज़ मेंटेन अप टू सर्टेन मैग्नीफिकेशन। अच्छा जनाब, अब एक खास लिमिट ऑफ मैग्नीफिकेशन तक जो रेजोल्यूशन है, यानी क्या था रेजोल्यूशन? कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर आपने जो है, इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो आप लोग अपना माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब आप ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। अगर आपके डिजिटल कैमरा तो आजकल सब यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर आप अपने जो पिक्चर्स होती हैं, जब आप उनको ज़रूरत से ज़्यादा जूम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, उसके पिक्सल्स जो है वो स्प्लिट होने लगते हैं, और जो उसकी जो रेजोल्यूशन है, जो उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो रेजोल्यूशन
जो है वो एक खास मैग्नीफिकेशन तक ही मेंटेन की जा सकती है। बाय इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन इज डिस्टर्ब। अगर आप मैग्नीफिकेशन को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, एक खास लिमिट से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो रेजोल्यूशन यानी क्वालिटी जो उसकी वो मुतासर होती है। रेजोल्यूशन इम्प्रूव्स एज वेव लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बिकम शॉर्टर। रेजोल्यूशन इम्प्रूव्स, रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे वेव लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बिकम्स शॉर्टर। अच्छा जनाब, वेव लेंथ तो आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने क्लास 8 में एटलीस्ट इतना तो पढ़ा ही होगा। वेव लेंथ जो होता है, कोई सी भी जो वेव होती है, ये आपको पता है इसको वेव कहते हैं, इस तरह से होती है। अब ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो इसके जो पीक पॉइंट हैं, इन दो जो है दो बराबर से जो इनके दो पीक्स हैं उनका जो डिस्टेंस है, ये इस पीक पॉइंट से इस पीक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी इतने टाइम में या इतनी जगह में इसके जो आपको वेवलेंथ नज़र आएंगे, वेवलेंथ तो बढ़ गए हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये वाली जो आप देख सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी मीन्स साइकिल पर जो उसकी क्या कहना चाहिए, पर साइकिल जो उसके साइकिल हैं उसका, अभी देखें जो सबसे जिसका वेवलेंथ आपको सबसे शॉर्टर नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर नीचे कहीं से भी ले लें, ये वेवलेंथ ही कहलाता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो जब लेंथ वेव लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बिकम शॉर्टर, यानी जो हमारा जो लाइट की जो सोर्स है, जो हमारी लाइट है, जब उसका वेव लेंथ जो है वो शॉर्टर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, रेजोल्यूशन इम्प्रूव हो जाता है। यानी जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। मैग्नीफिकेशन इम्प्रूव विद द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जबकि मैग्नीफिकेशन जो है वो लेंस की फोकल लेंथ यानी अंदर जो लेंस की अरेंजमेंट है उस पे डिपेंड करती है, वो भी एडजस्टेबल होते हैं, उसको आप मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आगे आ जाते हैं। द माइक्रोस्कोप फर्स्ट यूज बाय साइंटिस्ट एज वेल एज द माइक्रोस्कोप यू यूज इन द बायोलॉजी लेबोरेटरी आर ऑल लाइट माइक्रोस्कोप। जो अपनी लैब में इंशाल्लाह आप आएंगे तो माइक्रोस्कोप जो यूज़ करेंगे वो जो अर्ली टाइम में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो यूज़ की थी ये लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है। दीज माइक्रोस्कोप्स यूज विजिबल लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड ग्लास लेंसेज फॉर मैग्निफिकेशन। इन ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इनमें जो इल्यूमिनेशन की जो सोर्स है वो जो सिंपल लाइट जो है, जो हमारी लाइट है, लाइट सोर्स कोई सी भी लाइट सोर्स हो, नेचुरल लाइट हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट यूज़ की जा रही हो, कोई विजिबल लाइट जो है वो हमारे लिए इल्यूमिनेशन की सोर्स होती है और ग्लास लेंसेज यूज़ किए जाते हैं मैग्नीफाई करने के लिए। और दीज लेंसेज रिफ्लेक्ट द लाइट इन अ वे दैट द इमेज ऑफ द स्पेसिमैन इज मैग्नीफाइड एज इट इज़ प्रोजेक्टेड इन टू द ह्यूमन आई। और वो जो लेंसेज हैं वो लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है वो मैग्नीफाइड हो जाता है, हमारी आँख में जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड होता है। इनफैक्ट चीज़ जो है अपनी जगह वो तो उतनी ही रहती है, सिंपली जो उसका व्यू है, जो उसका इमेज है वो मैग्नीफाई हुआ होता है। आपको जैसे पता ही होगा कि हम जो देखते हैं, ये आप लोगों ने 7-8 में इसके बारे में पढ़ा होगा कि देखने के लिए आँखों के साथ साथ लाइट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये जो लाइट है ये जब हमारी आँख में जो है वो जाती है, जिस चीज़ पे टकराती है लाइट जिस चीज़ पे टकराती है उसको, जब उससे रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आँख के अंदर जाती है तो उसका इमेज जो है वो हमारी आँख में, हमारे ब्रेन पे जो है उसका इमेज क्रिएट होता है, रेटिना पे उसका इमेज क्रिएट होता है। मींस लाइट जो है उसका होना देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सेम उसी तरह से लाइट सोर्स जो है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो जो है ग्लास जो है लेंस पे लेंस जो है उसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को हमारी आँख में कि जो इमेज हम देख रहे हैं वो मैग्नीफाइड हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये तकरीबन 1000 times उसको ग्रेटर करके दिखा सकती है। यानी कोई चीज़ अगर 1 millimeter की है तो आप यूँ समझें कि वो उसका साइज़ जो है उसको 1000 times तक बढ़ा के उसका साइज़ बड़ा करके हमें दिखा सकते हैं। खैर मिलीमीटर तो कॉमन हमारी अपनी आँख से नज़र आ जाता है, मिलीमीटर से भी छोटा आप यूँ समझ लें कि माइक्रोमीटर या नैनोमीटर, अगर कोई चीज़ जो है वो माइक्रोमीटर में है तो उसको जो है वो हमें मिलीमीटर का करके दिखा देगी। मिलीमीटर की अगर चीज़ है तो वो हमें उससे इन्हेंस करके उसका साइज़ बड़ा करके दिखा देती है। But its resolving power is very limited. लेकिन ज़ाहिर है कि इसका जो resolving power है वो बहुत limited है। और ये जो है यानी जो वही जो अभी रेजोल्यूशन जो पढ़ रहे थे, यानी जो क्लैरिटी है जो किसी चीज़ का जो किसी इमेज को जो उसकी वाजे करके शो करना है वो जो है वो सिर्फ 0.2 m means सिर्फ 2 centimeter तक उसकी जो है वो उसकी विजिबिलिटी जो है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा रहता है। और इससे ज़्यादा अगर हम उसको मैग्नीफाई करना चाहें तो उसका रेजोल्यूशन जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वो ख़राब हो जाता है, यानी फिर वो इमेज प्रॉपर हमारी आँख पे नहीं बनता। In 1935, a new type of powerful microscope called electron microscope was invented by scientists to improve the resolving power of microscope. अच्छा जनाब, तो लाइट माइक्रोस्कोप अर्ली हमारी माइक्रोस्कोप थी जो आज भी स्कूल में लैब्स में यूज़ की जा रही होती है, लेकिन खैर अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस मौजूद है जो हम आगे इंशाल्लाह पता चलेगा आपको। 1935 में एक नई जो है वो माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट की गई जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसकी जो है इसकी इन्वेंशन का फ़ायदा ये हुआ कि इसने जो है रिजॉल्विंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी ये इमेज को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देती है। आई थिंक नैनोमीटर्स में इसको मैग्नीफाई करती है और उसके बावजूद जो है उसका रेजोल्यूशन जो है वो ख़राब नहीं होने देती। इट यूज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, और रोशनी के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम इंक्रीज इट्स रिजॉल्विंग पावर, और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये उसकी रिजॉल्विंग पावर यानी उसका रेजोल्यूशन जो है उसको भी अच्छा कर देती है, बढ़ा देती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव अ रेजोल्यूशन ऑफ अबाउट 0.2 nanometer। अब देखिए लाइट माइक्रोस्कोप 0.2 meter मीन्स 2 centimeter तक का उसको जो है रेजोल्यूशन उसका रखती है, जबकि ये जो इसका रेजोल्यूशन है 0.2 nanometer। नैनोमीटर मीन्स मीटर का भी, क्या कहना चाहिए, मीटर का भी यानी मीन्स मीटर का बिलियंथ, मिलीमीटर के अगर आप बिलियन जो है वो हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा ऑब्वियसली हमारी आँख से जो है वो विजिबल नहीं होता। मीटर का बिलियंथ जो है यानी इसको हम ऐसे शो करते हैं 10^-9 नैनोमीटर, पॉइंट टू नैनोमीटर सॉरी, ये तो यानी इससे भी एक ज़ीरो आप और बढ़ा लें, 0.2 nanometer तक इसका रेजोल्यूशन जो है ये बढ़ा देती है। 1000 times इम्प्रूवमेंट और लाइट माइक्रोस्कोप, तो जाहिर है इसकी वजह से इसकी जो इम्प्रूवमेंट है इसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी ऑफ वर्क है वो एक लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 times बेहतर है। बट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंसेज इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज। This image cannot focus in human eye, therefore screen or photographic plates are used to review and focus these images. अच्छा जनाब, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करती है एज लेंसेज, यानी सिंपल जो ग्लास लेंस हैं वो उसको यूज़ नहीं करती बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एज लेंस यूज़ करती है, और लाइट बीम की जगह इलेक्ट्रॉन्स बीम यूज़ की जा रही होती है। तो ये जो इमेज है ये इंसान की आँख पे फोकस नहीं हो सकता, इस इमेज को व्यू करने के लिए किसी स्क्रीन की या फोटोग्राफिक प्लेट की ज़रूरत होती है जहाँ पे इस इमेज को रिव्यू किया जाता है या फोकस किया जाता है। इसीलिए आज भी लाइट माइक्रोस्कोप की वैल्यू है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है बच्चों के लिए प्रिमिटिव जो आप स्कूल्स में यूज़ करते हैं प्रिमिटिव स्टडीज़ के लिए लाइट माइक्रोस्कोप ही यूज़ की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स मैनी ऑर्गेनल्स दैट आर इम्पॉसिबल टू बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की चूँकि हमें पता पड़ चुके हैं कि रेजोल्यूशन उसका 0.2 नैनोमीटर तक है, वो इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर देती है और रेजोल्यूशन उसका फिर भी ख़राब नहीं होता। लिहाजा जो चीज़ें हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, सेल की जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर जो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं वो सेल के ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं वो इंशाल्लाह हमने कल पढ़ना है। बट द लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ मैनी एडवांटेजेस स्पेशली फॉर द स्टडी ऑफ लाइव सेल्स। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी केमिकल एंड फिजिकल मैथड्स आर यूज टू प्रिपेयर सैम्पल विच किल्स सेल। अच्छा जनाब, एक माइक्रो जो अभी मैंने बताया कि स्कूल्स वगैरह में ऑब्वियसली हम यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट्स नॉट ईजी टू कैरी। सो स्कूल्स में आज भी जो है यही सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप ही यूज़ की जाती है। तो ये जो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइट माइक्रोस्कोप की, कि आज भी अगर आपने लिविंग सेल्स को स्टडी करना है तो उसके लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप ही की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके जो सैंपल्स बनाए जाते हैं, इसकी जो स्लाइड्स प्रिपेयर की जाती हैं, वो जो है बहुत सारे फिजिकल और केमिकल मैथड्स से जो है बनाई जाती हैं, तो उसमें जो है वो सेल जो है वो लाइव नहीं रह सकता, वो सेल डेड हो जाता है। अगर लाइव सेल को स्टडी करना है तो उसके लिए आज भी लाइट माइक्रोस्कोप ही की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये माइक्रोस्कोप है, मतलब माइक्रोस्कोप की का इमेज है। इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो हम माइक्रोस्कोप भी स्टडी करेंगे। अब जो है आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने कल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की को पढ़ना है, आप इसकी रीडिंग कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उसकी रीडिंग कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।